मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस कंपैरिजन का भी वेट कर रहे हैं, तो आज मैं कंपैरिजन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। नॉइस की ही दोनों वॉचेज हैं, एक तरफ है नॉइस की X-Fit 1 और एक तरफ है कैलिबर। देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलती रहती है। यहाँ पे X-Fit 1 आपकी जो अवेलेबल है करीब करीब 3,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल हो जाती है। तो क्या आपको 1,000 रुपये ज़्यादा देना बेटर रहेगा X-Fit 1 के लिए, कैलिबर आपके लिए बेटर हो सकती है? तो स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे तो X-Fit 1 में आपको 1.52 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, कैलिबर में 1.69 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। X-Fit में आपको बहुत सारी चीज़ें बेटर मिलती है। पहला, डिस्प्ले की क्वालिटी बेटर है, IPS पैनल मिलता है, कैलिबर में IPS नहीं है, TFT LCD पैनल का यूज़ किया गया। दूसरा, TrueView टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कलर एक्यूरेसी बेटर हो जाती है X-Fit 1 में, और 360x400 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है जो कि कैलिबर में नहीं है, 240x280 पिक्सल्स का ही रिजोल्यूशन मिलता है। तो X-Fit 1 बहुत ही आगे निकल जाती है डिस्प्ले के मामले में, बहुत ही बेटर फील होती है एज कम्पेयर टू कैलिबर। X-Fit 1 आगे निकल जाती है, रेस टू वीक दोनों में मिल जाता है, बट ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया है X-Fit में, कैलिबर में आपको हल्का सा उठा दिखेगा बट एक्जैक्टली 2.5D कर्व ग्लास नहीं है। यहाँ पे एप्पल का जो लुक है वो कॉपी किया गया, तो कैलिबर आपको थोड़ा सा फ्लैट एजेस के साथ आती है। फिर शार्पनेस की बात मैं करूँ तो X-Fit 1 थोड़ी सी आगे निकल जाती है, 354 पिक्सल डेंसिटी मिलती है, कैलिबर में आपको 326 पिक्सल डेंसिटी ही मिलती है। पीक ब्राइटनेस की बात करूँ तो दोनों ही वॉचेस में इक्वल मिलती है आपको देखने के लिए। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में X-Fit 1 आगे निकल जाती है कैलिबर से। अब यहाँ पे वॉच फेसेस की बात मैं करूँ तो यहाँ पे दोनों में ही आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेस लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, और गैलरी में से कोई भी इमेज को ऐसा वॉच फेस आप लगा सकते हो, ये फीचर भी मिल जाता है। कैलिबर में 150 से ज़्यादा आपको मिल जाते हैं जो वॉच फेसेस हैं, और X-Fit 1 में 100 बोले गए। अब यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे X-Fit 1 में 14 ही स्पोर्ट्स में मिलते हैं, कैलिबर बहुत आगे निकल जाती है, 60 स्पोर्ट्स में मिलते हैं। गाइस डेफिनेटली यहाँ पे कैलिबर बहुत आगे, IP68 की आपको दोनों में ही रेटिंग मिलती है, और 85% की एक्यूरेसी मिल जाती है दोनों में ही, और स्पोर्ट्स ट्रैकिंग मोड ये सब ठीक है, मतलब एक्यूरेसी लेवल दोनों का ही बेटर है। डेडिकेटेड सेंसर आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे सेंसर्स की बात मैं करूँ, एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्कोप सेंसर दोनों में ही देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। फिटनेस ट्रैकिंग के मामले में, स्पोर्ट्स मोड के मामले में दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती है, बट कैलिबर स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू X-Fit 1। और टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है कैलिबर में, जो कि X-Fit 1 में अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर पाओगे दोनों में ही, और रिप्लाई बैक आपको नहीं मिलता है X-Fit 1 में, बट कैलिबर में आपको रिप्लाई बैक ऑप्शन मिल जाता है, और फुल टच है, स्मूथ है, यहाँ पे स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये बेसिक चीज़ें आपको दोनों में मिल जाते हैं। और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 यूज़ किया गया X-Fit 1 में, कैलिबर में 5.0 यूज़ किया गया, उसी के साथ साथ फाइंड माय फोन, कैमरा, शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में ही। क्विक रिप्लाई का ऑप्शन कैलिबर में अवेलेबल है, और एंड्रॉइड या iOS दोनों से पेयर कर लोगे आप। यहाँ पे नॉइस फिट एप्लीकेशन से दोनों ही वॉचेस पेयर हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हो आपके आईफोन में चलेगा कि नहीं, नॉइस फिट एप्लीकेशन अगर अवेलेबल है तो दोनों ही वॉचेस पेयर हो जाएंगी। अब आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर कहीं ना कहीं X-Fit 1 का बेटर है कैलिबर से, और कस्टम UI दोनों में यूज़ किया गया है, सिंगल वर्ड कंट्रोल दोनों में मिलता है, गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो X-Fit 1 में आपको जो बैटरी कैपेसिटी है 210 mAh दी गई है, कैलिबर में 300 mAh बैटरी दी गई है जो कि ज़्यादा बेटर है। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े यहाँ पे तो 10 दिन का रन टाइम क्लेम करते हैं ऑन द पेपर यहाँ पे X-Fit 1, और कैलिबर आपका 15 दिन का रन टाइम क्लेम करते हैं ऑन द पेपर। यहाँ पे चार्जिंग टाइम मैग्नेटिकली दोनों ही मिल जाता है, और एक्चुअल यूजेस की बात करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको मिल जाएगा यहाँ पे 7 से 8 दिन का, बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो 4 से 5 दिन का ही मिलने वाला है बैटरी बैकअप। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिमिलर परफॉर्म करती है बैटरी कैपेसिटी के मामले में, बट बैटरी बैकअप जो है आपको कैलिबर का बेटर मिलेगा, राइट। अब मेन फीचर्स की बात आती है तो यहाँ पे HR मॉनिटर दोनों में मिल जाता है, SP2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है दोनों में ही, स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट यहाँ पे कैलिबर में एज है टेम्परेचर मॉनिटर मिल जाता है एक्स्ट्रा, जो कि X-Fit में है ही नहीं, राइट। स्लीप ट्रैकिंग दोनों में चेक कर सकते हो, और कैलिबर स्टेप ट्रैकिंग भी कर सकते हो, दोनों की एक्यूरेसी सिमिलर है जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। ब्रीथ रिलैक्स मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, और गाइस यहाँ पे सेडेंटरी रिमाइंडर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो मेन फीचर्स के मामले में दोनों ही बेटर परफॉर्म करती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं, कैलिबर स्लाइटली बेटर है टेम्परेचर मॉनिटर के मामले में, दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे X-Fit 1 आगे निकल जाती है, एल्युमिनियम केसिंग बेस पॉलीकार्बोनेट है, कैलिबर का पूरा पॉलीकार्बोनेट है, 20 mm स्ट्रैप साइज है X-Fit का, कैलिबर का 22 है, तो आफ्टर मार्केट का आप चूज ऑन कर सकते हो। सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है दोनों में ही, तो स्किन फ्रेंडली मेटेरियल का यूज़ किया गया। और मेन बिल्ड क्वालिटी में बात करूँ तो यहाँ पे X-Fit 1 मेटल है, बेस पॉलीकार्बोनेट है, तो आगे निकल जाती है, कैलिबर आपकी पूरा टोटल पॉलीकार्बोनेट है, तो यहाँ पे X-Fit 1 जीत जाती है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। अब प्राइसिंग को भी देख लेते हैं एक बार, तो प्राइसिंग मैटर करती है, आप कोई भी वॉच बाय करते हो तो X-Fit 1 आपकी अवेलेबल है 2500 rupees से 3000 के प्राइस ब्रैकेट में अमेजोन पे। बेस्ट बाय लिंक मैं अपडेट कर दूंगा जहाँ से आप जाके चूज ऑन कर सकते हो, लो प्राइस लिंक भी वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। कैलिबर की बात करूँ वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 2000 rupees में, और यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी कैलिबर ही लग रही है ओवरऑल। स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा है, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन है, टेम्परेचर मॉनिटर एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि X-Fit में नहीं है, दैट्स इट, और सारी चीज़ें आपको X-Fit में मिल जाती हैं।
14 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं एक्सफिट में, बट यहाँ पे डिस्प्ले साइज थोड़ा छोटा है, बट एक्सफिट में आपको जो कलर एक्यूरेसी है, पिक्सल डेंसिटी है, ज़्यादा बेटर मिलती है। मतलब पिक्सल जो है, पिक्सल साइज़ है डिस्प्ले का, वो बेटर है, जिसकी वजह से जब आप अपने लगाओगे एज अ वॉच फेस तो वो फटेंगी नहीं, पिक्सलेट नहीं होंगी। तो यहाँ पे एक्सफिट थोड़ा सा स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है डिस्प्ले के मामले में। अब मैं नंबर देता हूँ आपको, आसानी होगी समझने में। एक्सफिट 1 की डिस्प्ले अगर मैं 10 पे से बात करूँ तो 8 नंबर में दूंगा, क्योंकि एमोलेड होती तो डेफिनेटली मैं 9 या 9.5 देता। कैलिबर में आपको 10 में से मैं 6 दूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पिक्सलेट हो सकती है, एक्सफिट में पिक्सलेट नहीं होगी पिक्स, राइट। तो इस तरीके से मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अगर आपका क्वेरी रह जाता है दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग, अगर आपको किसी और वॉच का भी कंपैरिजन चाहिए तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।